अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टीचिंग यू द पोएम द नीम ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएटेस। द पोएम वॉज रिटन बाय मिसेज एल्सा काजी। ये पोएम मिसेज एल्सा काजी ने लिखी, द जर्मन वाइफ ऑफ अलामा आई आई काजी, द लेट वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। तो मिसेज एल्सा काजी जो थी वो एक जर्मन खातून थी जो कि अलामा आई आई काजी की बीवी थी, और अलामा आई आई काजी जो थे वो सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। She was born at Weimar in Germany. वो जर्मनी में वेलमर में पैदा हुई थी। She met Allama I. I. Kazi in 1907 in London. लंदन में 1907 में ये अलामा आई आई काजी से मिली, एंड इन 1910 वॉज मैरिड टू हिम। और तीन साल के बाद 1910 में उनसे शादी की। दे केम टू सिंध इन 1911, और शादी के एक साल के बाद 1911 में वो सिंध में आ गए। वेयर शी स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, जहाँ पर उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारी। विजिटिंग यूरोप नाउ एंड अगेन, जिसके दौरान वो यूरोप में आती जाती रही, मींस के वहाँ पर मुस्तकिल नहीं रही। शी रोट पोम्स इन जर्मन एंड इंग्लिश, उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में पोम्स लिखी। एंड ऑल्सो हेल्प हर हस्बैंड इन राइटिंग हिज बुक Brown Girl in Search of God। यानी बिसाइड पोम्स के उन्होंने अपने हस्बैंड को एक बुक लिखने में भी मदद की, और वो बुक जो थी उसका नाम था Brown Girl in Search of God। She died in Hyderabad on May 28, 1967, और वो हैदराबाद में 28 May 1967 में इंतकाल कर गई। एंड इज़ बरीड बिसाइड हर हस्बैंड एट द सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस जामशोरू, और उन्हें उनके हस्बैंड के साथ ही सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरू का जो कैंपस है वहाँ पर दफन किया गया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नीम ट्री। माय लवली नीम, यहाँ पर वो नीम ट्री की तारीफ़ करते हुए कह रही हैं कि मेरे प्यारे नीम। अच्छा, वो प्यारा नीम इसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि जब वो सिंध में आई तो यहाँ पे बहुत नीम के दरख्त थे, और उनकी ठंडी ठंडी छाँव से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो उन्हें दिल में उनके ख़्याल आया कि क्यों ना मैं इसके बारे में नज़्म लिखूं। तो उन्होंने इसीलिए इसके बारे में नज़्म लिखते हुए कहा, माय लवली नीम, मेरे प्यारे नीम, दैट इंटरसेप्ट्स सन्स स्कॉर्चिंग बीम, जो के सूरज के गर्म शुआओं को रोकता है, येट बियर्स द हीट ऑल डे, जबकि तमाम दिन वो खुद गर्मी बर्दाश्त करता है, विदाउट द रेन्स रिफ्रेशिंग स्प्रे, बारिश के रिफ्रेश करने वाले स्प्रे यानी बूंदों से बेपरवाह होके, और यानी उन्हें परवाह नहीं होती है, और वो
बग़ैर बारिश के रिफ्रेश हुए खड़ा रहता है। दाउ चार्म्स द वॉन्डरर्स वो अवे, और जो वॉन्डरर्स होते हैं, मुसाफिर हैं जो आते जाते हैं, उनके वो यानी गम जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। विद सूदिंग शेड, जब वो इसके ठंडे ठंडे साए के नीचे बैठते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ अनअफ्रेड, और यहाँ पर वो नीम ट्री की तारीफ़ करते हुए कह रही हैं कि तुम कितने मज़बूत हो, कितने नडर हो, बेखौफ हो। हाउ ग्रीन दाय लीव्स इन स्पाइट ऑफ ऑल, और तुम्हारे जो पत्ते हैं वो कितने हरे भरे हैं हालांकि। द मिड डे फ्लेम्स दैट बर्निंग फॉर, जबकि दोपहर के जो गर्मी के शोले हैं जलते हुए वो तुम इन पत्तों पर गिर रहे हैं। अपॉन thy अनप्रोटेक्टेड हेड, यानी इसका अपना जो अनप्रोटेक्टेड हेड है, नीम ट्री के सर पर कुछ भी नहीं है, अनप्रोटेक्टेड है, और उस पर बर्निंग फ्लेम्स जो हैं, जलते हुए शोले जो हैं वो गिर रहे हैं गर्मी के, मगर फिर भी देखें तो इसके पत्ते कितने हरे भरे हैं, वो जलते नहीं हैं। कुड मैन बी बोल्ड एज थाउ एंड राइज, क्या कोई इंसान भी इसी तरह से बहादुर हो सकता है और इस तरह से अपने आप को खड़ा रख सकता है। अबव द अर्थ, ज़मीन के ऊपर, विद द शेल्टरिंग आर्म्स, और अपने यानी और दूसरों को पनाह देने के लिए, शेल्टरिंग आर्म्स दूसरों को पनाह देना, तो वो दूसरों को पनाह देने के लिए क्या इसी तरह से बहादुरी से खड़े रह सकते हैं। टू सेव द सफरिंग वंस फ्रॉम हार्म, किस लिए कि सेव करे जो सफरिंग यानी मुश्किलात में हैं किसी भी किस्म के, फ्रॉम सोरोज, अब उनको गमों से बचाएं, पावर्टी गुर्बत से, एंड वाइस, और दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं दुख गम, थ्रू सेक्रीफाइस, और उनको किस तरह से नीम ट्री बचा रहा है, सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी के ज़रिए। वो कुर्बानी क्या दे रहा है कि वो तमाम मुश्किलात खुद बर्दाश्त कर रहा है और अपने साए तले बैठने वालों को, शेड तले बैठने वालों को ठंडी हवा दे रहा है, ठंडक दे रहा है, जिससे वो अपने गम भूल रहे हैं। कुड मैन बी स्टेडफास्ट एंड लाइक दी, क्या इंसान भी इसी तरह से साबित कदम हो सकता है, दी यानी तुम्हारी तरह से, फेस एवरी फेट, अपने हर तरह की किस्मत को फेस कर सकता है, उसका सामना कर सकता है, मुश्किलात का मुकाबला कर सकता है। वुड इट नॉट बी फुलफिलमेंट ऑफ लाइव्स लॉफ्टीएस्ट ड्रीम, और क्या यही नहीं है हमारी ज़िंदगी का खूबसूरत मकसद, माई लवली नीम, मेरे प्यारे नीम।